हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड टुडे वी आर प्लेइंग डाइसन स्पेयर प्रोग्राम, और हम लोग आ चुके हैं एक बार और फिर से एक और एपिसोड लेके। सो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी? एंड लास्ट टाइम यार अपन कुछ सेटअप करने में लगे हुए थे, स्मॉल कैरियर रॉकेट बनाने में लगे हुए थे, और अपन ने यहाँ पे काफ़ी सेटअप भी कर लिया था, ठीक है। और आज जो अपने को वर्क करना था वो करना था डिटेरियन फ्यूल रोड पे। सो डिटेरियन फ्यूल रोड एक्चुअली अपने को बनानी थी 1000 पर मिनट। सो उसको बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने मशीनें सेटअप कर दी हैं, लेकिन डिटेरियन फ्यूल रोड भी तीन चीज़ों से बनता है। सो पहला है टाइटेनियम अलॉय, एंड दूसरा है डिटेरियम, एंड थर्ड है मैग्नेटिक सुपर मैग्नेटिक रिंग। सो ये तीनों चीज़ों का अपने को आज प्रोडक्शन करना है। सो मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी थोड़ा सेटअप कर दिया है, क्योंकि बेसिकली अपन मशीनें मशीनें बना रहे हैं हर जगह। सो इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो चलो देख लेते हैं सेटअप कैसे और क्या करा है मैंने। सो यहाँ पे अगर अपन चल के देखें डिटेरियन फ्यूल रोड पे, सो अपने को एक्चुअली ये चाहिए 1000 पर मिनट डिटेरियन फ्यूल रोड। सो नॉर्मली एक पे एक ही बन रहा है, ठीक है। सो टाइटेनियम इंगट, सॉरी टाइटेनियम अलॉय है जो, वो एक ही चाहिए एक डिटेरियन फ्यूल रोड को बनाने के लिए। सो अपन 1000 बना रहे हैं, तो अपने को 1000 टाइटेनियम अलॉय चाहिए। सो यहाँ पे मैंने करीब 50 मशीनें बनाई हैं, जो एक मशीन 20 पर मिनट बनाती है। ओके, MK3 20 पर मिनट बना रही है। तो 50 मशीनें यहाँ पे मैंने बना दी, 25 और 25, ताकि यहाँ पे 1000 टाइटेनियम अलॉय पर मिनट अपना बन जाए, और पूरा मैनेजमेंट मैंने कर दिया है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली दूसरा प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए था वो चाहिए था डिटेरियन। तो डिटेरियन को मैं भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमने बाकी दूसरी गैलेक्सीज में जाके और वहाँ पे ऑलरेडी मशीनें बनाई थी। सो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये अपने को 10,000 चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। सो इसका भी प्रोडक्शन अपने को करना पड़ेगा। सो इसका प्रोडक्शन अपन करेंगे बाद में। ओके, सो अभी चलते सीधा थर्ड पे, सुपर मैग्नेटिक रिंग पे। सो सुपर मैग्नेटिक रिंग अपनी बन रही है 30 पर मिनट। ओके, और सुपर मैग्नेटिक रिंग भी अपने को 1000 चाहिए, क्योंकि ये भी एक से एक ही चाहिए होता है इसके अंदर, ठीक है। डिटेरियन फ्यूल रॉड बनाने के लिए एक सुपर मैग्नेटिक रिंग चाहिए होती है। सो करीब 1000 के लिए 34 मशीनें हैं जो अपनी लगी हैं यहाँ पे, मैंने बना दी 34 मशीनें, जो मिलके 1000 के आसपास 1000 बना रही हैं, ठीक है, सुपर मैग्नेटिक रिंग। सो 10 ये मशीनें हैं, 10, 20, 30, और ये वाली हो जाएंगी 4, 34 मशीनें। ओके, सो यहाँ तक काम कंप्लीट। डिटेरियन फ्यूल रॉड अपने समझ लो बन जाएगा, बस डिटेरियन को छोड़ के। ओके, सो इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट, क्वांटम चिप। ये वाली जो क्वांटम चिप अपने को बनानी थी ना स्मॉल कैरियर रॉकेट के लिए, सो इसके अंदर अपन चलते हैं। यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं एक्चुअली, एक तो है प्रोसेसर और दूसरा है प्लेन फिल्टर। सो प्रोसेसर अपने को चाहिए 2000, और ये भी चाहिए 2000। तो करीब 67 मशीनें लगी हैं यहाँ पे प्रोसेसर बनाने के लिए, जो 2000 प्रोसेसर पर मिनट यहाँ पे बनाएगा। ओके, सो इसका मैनेजमेंट मैंने कर दिया है यहाँ पे। सो इनमें काफ़ी घंटे लगे, पूरे मैनेजमेंट के साथ में मैंने बनाया था, कि रिकॉर्डिंग में अपना ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा मैनेजमेंट पहले ही कर दिया, क्योंकि कम से कम 6 से 7 घंटे लगे मेरे को ये सब सेटअप करने में। सो नेक्स्ट जो था अपना क्वांटम चिप में, वो दूसरा था प्लेन फिल्टर। सो एक्चुअली प्लेन फिल्टर अपने को 2000 बनाना है, तो यार ये थोड़ा स्लो बनता है प्लेन फिल्टर। ओके, देख लेते हैं। एक्चुअली ये 7.5 ही पर मिनट बनता है, तो इसके लिए अपने को कम से कम 267 मशीनें लगी यहाँ पे। सो ये वाली जो 267 मशीनें हैं, जो कि अपने लिए 2000 प्लेन फिल्टर बनाएंगी पर मिनट। सो यहाँ तक अपना मैनेजमेंट हुआ कंप्लीट। ओके, सो इसके बाद अगर अपन देखें, ओके सो इसके बाद अगर अपन देखें, तो यहाँ पे अपन चलते हैं सबसे पहले स्मॉल कैरी रॉकेट पे, और यहाँ पे चलते हैं डायसन स्पेयर कंपोनेंट पे। ओके, एंड इसके अंदर अगर अपने को फ्रेम मटेरियल अगर अपन बनाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली अपने को फ्रेम मटेरियल एक्चुअली डायसन स्पेयर कंपोनेंट जो था, अपने को 1000 बनाना था, राइट। तो उसका तीन गुना ये अपने को तीनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी, फ्रेम मटेरियल, सोलर सेल और प्रोसेसर, 3-3 हज़ार बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने सेटअप करा है फ्रेम मटेरियल का, फिर करा है सोलर सेल का, और फिर करा है प्रोसेसर का। तो चलो फ्रेम मटेरियल पे क्लिक करके देख लेते हैं एक्चुअली इसको क्या क्या चाहिए होता है। ओके, सो एक बारी मैं थोड़ा सेटअप के पास में चलता हूँ, मे भी अपोजिट साइड मैंने बनाया था, राइट। लेट्स सी, मे बी नहीं, ये फ्रेम मटेरियल बनाने के लिए था एक्चुअली, और इस तरफ। ओके, यहाँ से। ओके, सो अभी फिर से चलते हैं। एक्चुअली अपन बनाते हैं डायसन स्पेयर कंपोनेंट, उसके अंदर अपन बनाते हैं फ्रेम मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो 4 कार्बन नैनो ट्यूब चाहिए अपने को एक बनाने के लिए। ओके, और ये चाहिए टाइटेनियम वालों एक ही चाहिए, और ये भी एक ही चाहिए। सो मतलब कि 4, और अपने को ये बनाना 3000 पर मिनट, ठीक है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कार्बन नैनोट्यूब 12000 पर मिनट अपने को चाहिए होगी। तो मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा है भाई।
एंड साथ ही साथ सोलर सेल अपने को 3,000 चाहिए और ये भी 3,000 चाहिए क्योंकि एक एक की ज़रूरत पड़ रही है। सो कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के लिए भाई बहुत ही सारी मशीनें लगी हैं। ओके सो एक्चुअली मैंने क्या करा कि कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के लिए ना दो रेसिपी है अपने पास। एक तो ये वाली है जिसमें ग्रेफिन और टाइटेनियम इंगट लगता है, दूसरी वाली है जिसके अंदर ये वाली चीज़ लगती है, क्या नाम था इसका, स्पाइन फोम क्रिस्टलाइन बीन, ठीक है ये वाली लगती है। तो मैंने क्या करा है कि 12,000 अपने को ये बनाने थे ना, तो मैंने 6,000 ये वाली रेसिपी का इस्तेमाल करा और 6,000 ये वाली रेसिपी का इस्तेमाल करा है। सो यहाँ पे जो अपनी ग्रेफिन और टाइटेनियम इंगट वाली जो रेसिपी है उससे करीब 200 मशीनें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। ये दो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एंड ये वाली लाइन शायद ये भी उसी की लाइन है। तीन लाइनें बनी है मे बी, राइट। हाँ सो तीन लाइनें यहाँ पे बनी हैं, इनके अंदर है करीब 200 मशीनें जो अपने लिए करीब 6,000 ये मशीन है, जहाँ तक काफ़ी लंबी बन गई है मशीनें यहाँ तक। सो ये 6,000 पर मिनट बनाएंगी 200 मशीनें मिल के, ओके नॉर्मल वाली रेसिपी से। सो साथ ही साथ बाकी की 6,000 दूसरी वाली रेसिपी से मैंने बनाई है। सो उसके लिए यहाँ पे अपन ने बना दिया तीन लाइनें, ओके 1, 2 एंड 3, ये भी अपने को 200 ही मशीनें चाहिए होंगी, ठीक है। बट इसका मैनेजमेंट थोड़ा इजी था क्योंकि सिंगल लाइन लेके जानी थी अपने को। सो यहाँ पे भी 200 मशीनें बन गई है जो 6,000 बनाएंगी पर मिनट। सो टोटल अपना हो गया 12,000, ओके। सो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद थोड़ा आगे आ जाते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे चल के। सेकंड जो था अपने को बनाना था सोलर सेल एक्चुअली। सो 3,000 सोलर सेल बनाने के लिए अपने को 3,000 सॉरी 1,500 ग्रेफिन चाहिए और 1,500 ही फोटोन कंबाइनर चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए मैंने मैनेजमेंट करा हुआ है। ओके सो आगे का थोड़ा सिस्टम अपना कॉम्प्लिकेटेड है। ओके सो यहाँ पे अपने को एक्चुअली ये बनाना था 3,000, राइट, नहीं सॉरी, ग्रेफिन अपने को 1,500 चाहिए 3,000 में क्योंकि एक से दो बन रहा है। ओके ग्रेफिन जो था कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है, जो अपन ने अभी पीछे जो मशीनें सेटअप करी थी कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के लिए ग्रेफिन फर्स्ट वाली रेसिपी के अंदर, सो उसके अंदर भी एक्चुअली ग्रेफिन लगता है ये वाली इसके अंदर। सो इसके अंदर भी ग्रेफिन का जो इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ग्रेफिन, ये एक्चुअली इन सभी मशीनों को चलाने के लिए करीब करीब अपना जो लगा है, मैंने एक्चुअली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं और वो लगा है 9,000, यानी 9,000 ग्रेफिन चाहिए इन सबको चलने के लिए। ओके सो 9,000 और अपना 1,500 टोटल हो जाएगा 10,500। सो 10,500 ग्रेफिन अपने को पर मिनट चाहिए होगा भाई, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेटअप करा हुआ है। सो करीब 175 मशीनें हैं ये यहाँ पे जो बना रही है मिलके। ओके सो एक्चुअली यहाँ पे इतना तो ये बन रहा था अपना, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन। और यहाँ पे ये सारी मशीनें मिलके बना रही हैं फायर आइस से ग्रेफीन और हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पे ये है 175 मशीनें, 1, 2, 3 एंड 4, चारों लाइनों को मिला के, ठीक है। थोड़ा सिस्टम थोड़ा हैवी चला गया है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया थोड़ा, बट डोंट वरी अपन कर लेंगे क्योंकि 500 यार स्मॉल कैरियर रॉकेट कोई इजी काम नहीं है बनाना, ठीक है। सो कैलकुलेशन तो इतनी ज़बरदस्त है ना भाई, काफ़ी घंटे लग चुके हैं सब कैलकुलेट करके डिज़ाइन करने में। सो यहाँ तक अपना हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। अपना यहाँ पे करीब 10,500 फायर आइस से अपना ग्राफिन बन गया है, ओके। और साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन भी मिलेगी, सो उसका इस्तेमाल अभी हम सोचेंगे कहाँ पे करना है क्योंकि ड्यूटेरियम बनाना है ना, तो वहाँ पे अपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो इसके बाद आते हैं अपन सर्किट बोर्ड में, ओके, क्योंकि सर्किट बोर्ड की भी ज़रूरत है। सो देख लेते हैं यहाँ पे चल के, सर्किट बोर्ड की ज़रूरत है एक्चुअली प्रोसेसर के अंदर थी, ठीक है। सो एक्चुअली सर्किट बोर्ड का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला गया है। सो करीब अपने को 11,500 सर्किट बोर्ड चाहिए होंगे भाई इन सभी मशीनों को चलाने के लिए लगभग, ओके। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेटअप करा हुआ है, करीब 64 मशीनें ही हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये मशीनें सारी मिलके 11,500 पर मिनट जो सर्किट बोर्ड बनाएंगी, क्योंकि एक मशीन है ना जो काफ़ी बना देती है, मे बी 180 सर्किट बोर्ड बना देती है, ओके। सो साथ ही साथ एक मशीन को 180 आयरन इंगट चाहिए, सो 5 मशीन से ज़्यादा अपन बना नहीं सकते, अदरवाइज लाइन हैंडल नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो उसी का एड मैनेजमेंट करके मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, छोटा छोटा सेटअप बनाया हुआ है मैंने, ओके। सो यहाँ पे अपना जो है 11,500 फाइनली सर्किट बोर्ड बन रहा है। सो यहाँ तक का मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया थोड़ा सा, एंड आज अपन बढ़ने वाले आगे, ओके। सो क्या
क्या मैं इसको यहाँ पे बना सकता हूँ ताकि मैनेजमेंट थोड़ा सही सा दिखे, और इसको बाद में कनेक्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सो अपना जो नेक्स्ट टारगेट था ना वो था माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये देख रहे हो माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट, एंड ये अपने को चाहिए 10,000 पर मिनट, क्योंकि ये अपने को प्रोसेसर भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। सो इसका सेटअप आज अपने को करना है माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट का। ओके सो गाइज अपना नेक्स्ट कैलकुलेशन हो चुका है। एक्चुअली अपने को सर्किट बोर्ड के बाद में अपने को बनाना है माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट, और अपने को माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट है ना जो प्रोसेसर बनाने के लिए एक्चुअली 10,000 चाहिए, 10,000 पर मिनट। सो 10,000 पर मिनट बनाने के लिए अपने को करीब 223 मशीनें लगेंगी। ओके सो अभी मैं फटाफट उन्हीं का सेटअप करने वाला हूँ, सो लेट्स गो। तो यहाँ पे अपना स्टेशन बना लेते हैं, ठीक है, इंटरसेटेलाइट लॉजिस्टिक स्टेशन, और यहाँ पे अपने को एक्चुअली माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट बनाना, तो सबसे पहले वही चूज कर लेते हैं। ओके और इसके लिए दो अपने को चाहिए होते हैं, एक तो हाई प्रायोरिटी सिलिकन चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है कॉपर इंगट, राइट? यस, सो ये दोनों अपने को यहाँ पे चाहिए। ओके ओके सो गाइस अपना यहाँ पे फाइनली माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट का जो है 10,000 का मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है, ठीक है, और ये करीब 223 मशीनें हैं जो मिलके करीब 10,000 माइक्रो क्रिस्टलाइन कंपोनेंट बनाएंगी। ओके सो यहाँ तक अपना काम हो चुका है कंप्लीट। ओके सो नेक्स्ट वर्क जो अपना है वो है टाइटेनियम।
गाइस सो फाइनली यहाँ पे अपनी मशीन है जो बनके तैयार हैं, जो अपने लिए टाइटेनियम इंगट बनाएंगे। ओके सो करीब अपने को 7,000 टाइटेनियम इंगट चाहिए भाई परमानेंट, और ये चार जो हमने सेटअप बनाया है ये करीब हैं 234 मशीनें, और ये सारी सारी मिलके बनाएंगी 7,000 आयरन इंगट पर मिनट। सो यहाँ तक अपना काम हो चुका है कंप्लीट एकदम। एंड इसके बाद एक्चुअली अपन चलने वाले हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक, एंड टुडे वी आर प्लेइंग डायसन स्फेयर प्रोग्राम, और आज अपन लेके आए एक और एपिसोड बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली अपन वर्क कर रहे थे स्मॉल कैरियर रॉकेट बनाने का, और अभी आपको दिख रहा होगा भाई अपना डायसन स्फेयर जो कि बन के थोड़ा सा तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ओके और काफ़ी अच्छी खासी पावर भी जनरेट हो रही है, करीब 5.48 GW यहाँ से पावर जनरेट हो रही है। सो टोटल हो रही है 5.77 GW तक पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है। सो लास्ट टाइम हमने एपिसोड यहाँ पे एंड किया था टाइटेनियम इंगट पे, क्योंकि टाइटेनियम इंगट जो अपने को बनाने थे 7,000, उसके लिए हमने 234 मशीन यहाँ पे बना के और सेटअप कर दिया था। सो आज का बेसिकली अपना जो प्लान है वो है स्टील बनाने का, और अपने को स्टील एक्चुअली 4,000 स्टील पर मिनट चाहिए, सो ताकि अपन 500 स्मॉल कैरियर रॉकेट बना सकें। सो उसके लिए मैं यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ स्टील का। ओके सो क्यों ना इसके सहारे ही मैं कर दूँ, ठीक है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ओके सो फटाफट स्टील का मैनेजमेंट देख लेते हैं कैसे क्या करना है। सो स्टील एक्चुअली 20 पर मिनट ही बनेगा, और 60 पर मिनट देना पड़ेगा ये। सो करीब 15-15 मशीनों का सेटअप बनेगा ये। ओके क्योंकि 1800 ही हैंडल कर सकती है एक लाइन, तो फिर मैं क्या करता हूँ फटाफट यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। ओके सो यहाँ पे अपन बनाते हैं सबसे पहले इंटरसेटेलर लॉजिस्टिक स्टेशन। ओके सो गाइस अपना यहाँ पे फाइनली स्टील का जो है 4,000 पर मिनट का प्रोडक्शन का सेटअप यहाँ पे हो चुका है। मैंने करीब यहाँ पे 200 स्मेल्टर बना दिए हैं जो अपने लिए करीब 4,000 स्टील इंगट जो अपने लिए पर मिनट बनाएंगे, सॉरी स्टील बनाएंगे पर मिनट। ओके सो नेक्स्ट प्लान था अपना सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के तो यार ऑलरेडी ओशियन ही है, तो अपने को 8,000 चाहिए तो सिर्फ गैदर करना है। सो हमने पिछले कुछ एपिसोड में ऑलरेडी गैदर कर लिया था जब हम दूसरी गैलेक्सी में घूमने गए थे, तो 8,000 अपने को वहाँ से मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन और मशीनें बना देंगे। सो अभी अपना जो नेक्स्ट प्लान है, क्योंकि अभी थोड़ी प्रोसेस काफ़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि 500 स्मॉल कैरियर रॉकेट बनाना कोई इजी बात नहीं है भाई इस गेम में। सो अभी अपने को बनानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बाइन। ओके सो ये देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बाइन है ये। ओके सो ये बनानी है अपने को 2,000 पर मिनट। सो एक मशीन 45 बनाएगी, तो अपने को यहाँ पे 45 मशीन का सेटअप करना है। सो उसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर एंड ये चाहिए होगा अपने को मैग्नेटिक कोइल। सो चलो फिर इसका भी सेटअप कर देते हैं। ओके गाइस सो यहाँ पे अपनी 45 मशीनें जो है फाइनली बन चुकी हैं, बस ओनली पावर जो है कनेक्ट करना बाकी रह गया है। सो पावर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके सो एक यहाँ पे रख देते हैं। ओके सो यहाँ पे 45 मशीनें जो अपनी मिलके करीब 2,000 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बाइन जो है बना देंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ तक अपना प्रोसेस जो है हो चुका है कंप्लीट फाइनली। यह ओके सो चलो इसके बाद अपने को चलना है मैग्नेट पे। अभी अपने को मैग्नेट बनाना है करीब 3,000 पर मिनट। सो मैग्नेट बनाने के लिए करीब अपने को चाहिए होंगी 75 मशीनें अपने को चाहिए होंगी। ओके सो मैग्नेट देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला मैग्नेट है जो अपने को बनाना है। सो ये 3,000 पर मिनट बनाना है। ओके सो एक से एक ही बनता है ये, और 40 जो है पर मिनट बनाएगी एक मशीन, तो अपने को यहाँ पे 75 मशीन चाहिए जो कि 3,000 पर मिनट बना देंगी। सो मैं फटाफट इसका भी सेटअप करता हूँ। ओके लेट्स डू इट। ओके सो गाइज अपना नेक्स्ट सेटअप भी हो चुका है मैग्नेट का, 3,000 मैग्नेट पर मिनट का। सो हमने यहाँ पे फाइनली 75 मशीनें जो बना दी हैं स्मेल्टर, और ये मिलके बनाएंगे करीब 3,000 मैग्नेट पर मिनट। ओके और इनको चलने के लिए 3,000 ही आयरन और चाहिए जो कि अपन प्रोवाइड कराएंगे। सो
इसके बाद अपना जो सेटअप आता है वो आता है एनर्जेटिक ग्रेफाइट का। ओके, क्योंकि एनर्जेटिक ग्रेफाइट अपने को चाहिए 1000 पर मिनट, और ये तो आसानी से बन जाएगी कॉल से, दो कॉल से एक बनेगी, तो अपने को 2000 कॉल से 1000 एनर्जेटिक ग्रेफाइट बनानी है, और उसके लिए ओनली 34 मशीनें ही लगेंगी। मे बी स्मेल्टर के अंदर ही बन जाता है ये, राइट? सो एक स्मेल्टर मैं बना के देख लेता हूँ यहाँ पे। ये बार ये बन जाए। ओके, यस, एनर्जेटिक ग्रेफाइट दो से एक बनती है। ओके, ये करीब अपने को 34 मशीनें बनानी है, और इसका भी प्रोडक्शन अपने को स्टार्ट करना है। मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ, लेट्स डू इट। ओके, यहाँ पे भी अपना एनर्जेटिक ग्रेफाइट का जो है प्रोडक्शन अपना जो है सेट हो चुका है। ओनली पावर पोल बाकी थे, मैंने लगा दिए। यहाँ पे करीब 34 स्मेल्टर मैंने बना दिए हैं, जो कि 1000 एनर्जेटिक ग्रेफाइट पर मिनट बनाएंगे, और अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। ओके, इसके बाद अपने को जाना है नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी सिलिकन के लिए, और हाई प्रायोरिटी सिलिकन तो भाई बहुत ही ज़्यादा चाहिए एक्चुअली। हाई प्रायोरिटी सिलिकन अपने को चाहिए करीब 23,000 पर मिनट। ओ माई गॉड, और इसके लिए लगेंगे अपने को 767 मशीनें, 767 मशीनें जो अपने को लगेंगी हाई प्रायोरिटी सिलिकन के लिए। मे बी ये जो इतना बड़ा सारा एरिया नहीं, ये कंप्लीट फिल हो जाएगा शायद से हाई प्रायोरिटी सिलिकन बनाने के लिए। चलो फिर मैं उसका मैनेजमेंट भी करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ओके, लेट्स डू इट।